सो वेलकम बैक गाइस। तो आ चुका है आप लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो लेके, और आपको तो पता होगा भाई जो बेटल टावर जो अपना न्यू इवेंट है वो आ चुका है फिर से, और जो न्यू टेबल है अपना बेटल टावर का वो भी आ चुका है, और यहाँ पे गेम प्ले होने वाला है सिर्फ बेटल टावर पे। और जो बंदे हैक यूज़ करके आ रहे हैं इस वीडियो में, मतलब आपको बताने वाला हूँ जो बंदे हैक यूज़ करके आ रहे हैं ना बेटल टावर पे भी, वो भी बंदे भी क्या कर रहे हैं भाई आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। कुछ लोग भी हैक लगा के बिंदास खेल रहे हैं ऑटो प्ले, और कुछ लोग भाई क्या कर रहे हैं भाई जो सेलिंग का जो रहता ना गाइस फोटो लगा लेते हैं, नंबर लगा लेते हैं, और भी जो कॉइन से अपने फेयर प्लेयर से लूटते हैं और फेयर प्लेयर को भी बेच देते हैं कॉइन सेलिंग। तो आप लोग को बताने वालों भी जो बंदा है उसके साथ भी मेरा गेम प्ले लगता है, और भाई उसका तो नंबर आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। तो चलो भाई वीडियो में एंड तक बने रहना आप लोगों ने, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है, इंसानी गेम प्ले होने वाला है भाई आज का, क्योंकि गेम प्ले आप लोगों को एक से एक देखने को मिलने वाले इस टेबल पे, और भाई ट्रिक शॉट भी देखने को आपको बहुत अच्छी तरह से मिलने वाले, क्योंकि आप लोग बहुत सारे जो शॉट है वो सीखने को मिलने वाले आज के वीडियो में। तो बने रहो भाई, यहाँ पे देखो आप जो एक शॉट है ट्रिपल कनेक्शन शॉट थोड़ा सा हार्ड है गाइस, ठीक है ना, फिर भी देखो किस तरह से मैं खेल लेता हूँ उसको आसानी से टॉप राइट में, और इसको मारे बाद यहाँ पे जो दो कॉइन्स रहते भी आसानी से शिवर कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे कनेक्शन मार लेता हूँ टॉप लेफ्ट में, और लास्ट वाली कॉइन को तो कैसा करेंगे अपन गाइस टॉप लेफ्ट में, इसको भी पोर्ट कर लेंगे आराम से, और ये गेम को तो ईजिली विन कर लेता हूँ। नेक्स्ट गेम प्ले देखो आप लोग किस तरह से मैं फिनिश करता हूँ, पसंद आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलो भाई नेक्स्ट गेम प्ले पे आते हैं, और देखते भी आप लोगों को दिखाते हैं फिर से एक ब्रेक टू फिनिश बहुत ही प्यारा सा। और गाइस आप लोग सोच रहे हो भाई ड्रैगन जो स्टार स्टैगर है उससे मैं गेम प्ले क्यों कर रहा हूँ भाई, तो मन कर रहा गाइस इसलिए मैं गेम प्ले कर रहा हूँ ड्रैगन स्टैगर का। और भाई थोड़ी सी लेंथ भी कम है इसकी, पावर कम है, एम का एम तो अच्छा खासा है, और जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा कम है, फिर भी आप मेरे लिए तो चल जाएगा भाई, क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छा स्टैगर ही है। तो चलो यहाँ पे मैं आप लोगों को गेम प्ले दिखाऊंगा वो भी ड्रैगन स्टैगर से, और भाई कुछ गेम प्ले आप लोगों को दिया स्टैगर से भी देखने मिलने वाले जो अपना वन ऑफ द फेवरेट स्टैगर है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं टॉप लेफ्ट में इसको खेल लेता हूँ, और इसको मार के कुछ कॉइन भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो कॉइन अपने बहुत बुरी तरह से फंसे हुए, पर यहाँ पे एक शॉट बहुत अच्छा देखने मिलने वाला है। वैसे देख सकते हैं आप लोग मेरे जो पूरे कॉइन क्लोज हो चुके हैं, पर यहाँ पे एक शॉट मार दो बहुत ही प्यारा सा, और यहाँ पे जो ब्रश शॉट जाता है भी बहुत ही अच्छी तरह से जाता है, पर यहाँ पे जो सामने वाला जो बंदा बोलता है वीडियो अपलोड कर देना भाई, लो भाई आपका वीडियो अपलोड हो चुका है, चैनल पे वॉच कर लेना। तो यहाँ पे टॉप राइट में इसको खेल लेता हूँ, कुछ कॉइन जो फंसे हुए टॉप लेफ्ट में अपने ओपनर के फ्रेम में उनको मैं निकालने की ट्राई करता हूँ, पर एक कॉइन निकलती है, पर एक कॉइन बहुत बुरी तरह से फंस जाती है टॉप लेफ्ट फ्रेम में। चलो कोई नहीं, उसको भी निकालेंगे अपन। अभी फिलहाल रेड वाली कॉइन को निकालना है मुझे इस वाली स्टैगर से, तो मैं क्या करूँगा सॉरी इस वाली कॉइन से, तो बारीक कट मार दो, अगर जब मोटा कट मारता था ना इस तो स्टैगर अपना खाली निकल जाता था, कॉइन नहीं निकल पाती थी, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको बारीक कट मार रहा हूँ। और यहाँ पर रेड वाली कॉइन को भी शिवर करके इसको पोर्ट कर ले, और लास्ट वाली कॉइन को तो आसानी से मार सकता हूँ मैं, आप लोगों को थोड़ी सी हार्ड लग रही हूँ पर बहुत ही आसानी से मैं इसको खेल सकता हूँ रिबाउंड शॉट बॉटम राइट में, तो बॉटम राइट में बहुत ही आसानी से सपोर्ट कर लेता हूँ। चलते भी नेक्स्ट गेम प्ले, और भाई आगे वीडियो बढ़ने से पहले आप लोग पहले वीडियो को जाके लाइक करो गाइस, और चैनल पर नहीं हुई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ पर भी एक्टिव रह रहा हूँ मैं, आपको कुछ भी सवाल पूछना है तो मुझे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर, ज़्यादातर मैं जितने ज़्यादा लोगों को मैं रिप्लाई कर सकूँगा मेरे तरफ से मैं करूँगा, और कुछ लोग को रिप्लाई नहीं हो पाऊंगा तो उसके लिए यार सॉरी, ठीक है ना। बहुत से लोग मैसेज करते हैं तो सबका रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, तो कुछ लोग रह जाते हैं और कुछ लोग को मैं रिप्लाई दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पे जो गेम प्ले वो भी वॉच करो किस तरह से मैं फिनिश करने वाला हूँ। तो चलो भाई सबसे पहले तो मैं अभी यहाँ पे देखता हूँ जो कॉइन्स थोड़े से फंसे हुए उनको निकालता हूँ, रेड वाली कॉइन में देख रहा भाई कट मार के बीच में से पोर्ट कर सकूँ, और आसानी से पोर्ट भी कर लेता हूँ थोड़े से गैप में से, और फिर से यहाँ पे थोड़े कॉइन ब्लॉक थे तो मैं और एक कॉइन को खेल लेता हूँ इसको बीच में से, थोड़ा सा आसानी से खेल सकता होगा इसकी कनेक्शन ज़्यादा टॉप लेफ्ट में, तो मैं इसको आसानी से पहले पोर्ट कर लेता हूँ, और दोनों जो कॉइन है वो श्योर है ऑलमोस्ट, तो मैं इसको प्यार से आराम से कट मारूँ, क्योंकि सामने जो अपने ऊपर के कॉइन है इसलिए थोड़ा सा मोटा कट मारता हूँ, क्योंकि अपनी जो कॉइन है उसका कोलैब ना हो जाए, और उसको पोर्ट करने के बाद टॉप लेफ्ट में इसको मार लेता हूँ, क्योंकि सामने जो अपने ओपनेंट की कॉइन थी गाइस थोड़ा सा ब्रश हो सकता था, थोड़ा आराम से खेला हूँ मैंने। तो टॉप लेफ्ट में इसको पोर्ट करने के बाद यहाँ पे जो गेम है फिनिश हो जाता है। चलते हुए नेक्स्ट गेम प्ले पे, और ये बंदा रहता है कॉइन सेलर, आप लोग देख सकते हो भाई इसका जो नंबर है मैं हाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि भाई पूरे कॉइन सेलिंग का फोटो लगा लेता है बंदा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को भी फंसाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों में बहुत से लोग भी क्या करते कॉन्टैक्ट करते रखते हैं भाई, अगर चाहे कोई बंदा कॉइन सेलर वाला बंदा निकला तो यहाँ पे भी मैं टॉप हाइड में इसको पोर्ट कर लेता हूँ, और भी कुछ लोग पागल भी बन जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको लालू देते हैं, लालू देखिए आपकी जो आईडी है वो मांगते, बाद में क्या कर लेते भाई आपकी आईडी जो है गायब कर देते, और आपको चूतिया बना के आपका चूतिया काट के निकल जाती है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इस तरह से चूतिया नहीं बनना है किसी से भी, और यहाँ पर मैं इसका थोड़ा फोटो इसलिए छुपा रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो रहते भी थोड़े से कम अकल के रहते भी मैसेज करने लग जाते हैं भी बंदों को, ठीक है ना। तो चलो मैं टॉप लेफ्ट में इसको पोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो अपने जो दो कॉइन बाकी के उनको मैं आराम से खेलूंगा। और गाइस कुछ लोग नहीं के थोड़े से कॉइन के लिए अपनी जो आईडी है वो दे भी देते हैं किसी किसी को, और वो बंदे भी आपकी आईडी गायब कर देते हैं, तो थोड़े से कॉइन्स के वास्ते अपनी जो आईडी है वो खतरे में मत डाला करो, ठीक है ना।
जो आपकी आईडी रहती है वो बाद में वो ले लेते हैं और बाद में सेल कर देते हैं और आपको छूते काट के आपका निकल जाते हैं ब्लॉक मार के सब, ठीक है ना। यहाँ पे जो बंदा ये हैकर है तो इसका गेम प्ले देखो भाई किस तरह से गेम प्ले करता है। इतनी बड़ी आईडी इसकी आप लोग देखो, इसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही बंदे को, ठीक है ना। मतलब इतनी बड़ी आईडी है बंदे की, मतलब वर्ल्ड टॉप पे 2 नंबर पे आया वाला है बंदा, और बंदा किस तरह से ऐटो प्ले है यूज़ करके गेम प्ले करता है वो आप लोग खुद वॉच करो यहाँ पे। तो चलो आप लोगों को दिखाता हूँ इसकी जो आईडी, आप लोग तो देख सकते होंगे कितनी बड़ी आईडी है और किस तरह से गेम प्ले कर रहा है। ये न्यू स्टैगर भी आया वाला है, आपको पता है भी अभी आने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग भी हैक करके मतलब टाइम जंप करके ले लेते हैं स्टैगर, और जो अपकमिंग इवेंट आते हैं ना वो टाइम जंप करके भी ले लेते हैं। और भाई मैं तो नहीं लेता हूँ भाई, कहीं को रिक्स में डालना भाई आईडी को, कुछ ना कुछ हो जाए तो फिर क्या करेंगे गाइस। अपनी जो आईडी भी पहले से सिक्योर है भाई, फुकटी अपनी जो आईडी खतरे में क्यों डालना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन चलता है, और यहाँ पे जो बंदा किस तरह से देखो किस तरह से फ्रीज करके जाता है यहाँ पे गेम को, और यहाँ पे देखो लॉस हो चुकी है। और मैं यहाँ पे टाइलर भी बजाता हूँ उसके लिए, क्योंकि इतनी बड़ी आईडी थी उसकी, और भाई इतनी बड़ी आईडी में वो बंदा हैक लगा के खेलता है तो उसका इंप्रेशन क्या करता हूँ सामने वाले बंदे का, भाई ये वर्ल्ड टॉप तो ऐसे इसने हैक लगा के कराऊंगा और क्या फ़ायदा भी ऐसे हैक लगा के वर्ल्ड टॉप करना, आपका नाम नहीं बनेगा गाइस इसमें, उल्टा आपका नाम ख़राब होगा भाई। अगर आप लोग वर्ल्ड टॉप करते हो भाई वो भी हैक लगा के, तो समझ सकते हो जो समझदार है भी वो समझ जाता है, ठीक है ना। और गाइस आप लोगों को फिर से मैं बोलता हूँ भाई, आप लोगों ने यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना गाइस, ठीक है ना। वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे मैं अपडेट लेके आने वाला हूँ, बहुत चीज़ लेके आने वाला हूँ, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। आपको पता है मैं ज़्यादा नहीं बोलता था पहले से, आप पर बोल रहा हूँ आप लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए, क्योंकि भाई वहाँ पे जो शॉर्ट वीडियो है ना थोड़े से वायरल होते हैं, तो आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो वहाँ पे मैं लेके आऊँगा, तो वहाँ पे आप लोग मुझे वॉच कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब देख सकते हो वहाँ पे अपनी शॉर्ट वीडियो, और आपको पता है शॉर्ट वीडियो में ज़्यादातर यूट्यूब पे धारा नहीं हो, आप लोगों ने एक अच्छा रेगुलर वीडियो देखते होंगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे आप लोगों के लिए मैं शॉर्ट वीडियो कंटिन्यू डालने वाला हूँ, तो आप लोगों ने वहाँ पे जाके ज़रूर मुझे फॉलो कर लेना है। तो चलो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी भाई, अपने कमेंट बॉक्स के नीचे नहीं अपने डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों ने टाइटल के ऊपर क्लिक करना है आपको डिस्क्रिप्शन खुल जाएंगी, वहाँ से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और टॉप राइट में इसको मारे बाद जो दोनों कॉइन है वो श्योर है, तो ऑलमोस्ट दोनों को पोर्ट टू कर ही लेता हूँ मैं, और इस वाले गेम प्ले को फिनिश कर लेता हूँ। और आप लोगों को सभी के सभी जो गेम प्ले ओपन टू फिनिश देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही अच्छा गेम प्ले लेके आऊँ, और आप लोग गेम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो भी नेक्स्ट गेम प्ले पे चलते हैं। तो यहाँ पे फिर से आ जाते हैं अपन, और यहाँ पे फिर से ब्रेक मिलता है, तो यहाँ पे ब्रेक में आसानी से लगा लेता हूँ, एक कॉइन पोर्ट कर लेता हूँ, फिर बाद में बॉटम राइट में एक और कॉइन पोर्ट कर लेता हूँ बम मार के, और बहुत ही अच्छी तरह से जो कॉइन्स अपने रिलीज हो जाते हैं उसका मैं फ़ायदा उठाता हूँ। पहले इसको कर मार के कुछ और कॉइन रिलीज़ कर लेता हूँ, और एक बहुत ही अच्छी कॉइन आ जाती है टॉप लेफ्ट में ये वाली, इससे थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ हर कुछ कॉइन निकालने के लिए, और जो ये कॉइन रहती है इसको थोड़ा सा श्योर कर लेता हूँ भी अच्छी तरह से। अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही प्यारा गेम प्ले देखने को मिलने वाला है, इस वाले गेम प्ले में बहुत ही प्यारा एक रिलीज शॉट देखने को मिलने वाला है, वो जो आपको सीखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो जो कॉइन सबके सब ब्लॉक हो चुके मेरे, अभी मैं इसको कट मारता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ जो कॉइन फंसे हुए वो निकाल सकूँ, पर मेरे जो कॉइन्स है कॉइन्स सबके सब ब्लॉक हो चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा से मैं रिलीज शॉट खेलूंगा, सबसे पहले मैं कनेक्शन मार लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन जा रहा था, तो मैं पहले कनेक्शन मार के यहाँ पे इसको पहले पोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे चारों तरफ से मैं ब्लॉक हो जाता हूँ। पर मेरे पास एक और शॉट था भाई, यहाँ पे ध्यान से देखो किस तरह से मैं रिलीज शॉट खेलूंगा, जो कॉइन फंसी हुई रहती है उसको रिलीज शॉट खेलता हूँ, और आसानी से इस वाले कॉइन को भी पोर्ट भी कर लेता हूँ। तो कैसा लगा शॉट कमेंट करके जरूर बताना गाइस, और जो लास्ट वाली दो कॉइन है उनको मैं आसानी से पोर्ट करके इस गेम प्ले को विन कर लेता हूँ। तो चलो इसी तरह से आप लोगों ने फिनिश करना है गाइस, और इसी तरह से आप लोगों ने गेम प्ले करना है, भाई छोटे टेबल पे करना है, बड़े टेबल पे नहीं करना है। आपको ओपन टू फिनिश सीखना है गाइस करना, तो आप लोगों ने छोटे टेबल पे खेलना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जो सर दर्द है वो कम होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, और भी जो टेंशन है वो भी नहीं आएगा। और छोटे टेबल पे जरा से कॉइन आपके चले भी गए तो आपको थोड़ा सा भी दुख नहीं होगा, तो आप लोगों ने छोटे टेबल पे गेम प्ले करना है। तो यहाँ पे चलो आप इस वाले ब्रेक टू फिनिश को भी देखो आप किस तरह से मैं करता हूँ। और वैसे गाइस ये न्यू टेबल था बैटल टावर का, इसलिए मैंने बोला चलो थोड़ा सा आप लोगों के लिए ब्रेक टू फिनिश लेके आते हैं, और अच्छी तरह से ब्रेक टू फिनिश आपको दिखाते हैं अच्छी तरह से इंसानी गेम प्ले। तो यहाँ पे आप लोगों को गेम प्ले तो अच्छा लग रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा हूँ तो यार कमेंट करके अच्छा सा एक कमेंट करके बता देना है मुझे, ठीक है ना। जो आपको शॉट पसंद आया वो जो कमेंट आप लोगों ने जरूर करके बताना है, जो भी शॉट जो पसंद आया होगा आप लोगों को ब्रेक टू फिनिश पसंद आएगा वो भी आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बता देना है, तो मुझे पता लगता है भी बंदों को कौन सा गेम प्ले पसंद आ रहा है, तो कमेंट जरूर कर देना है एक वीडियो को, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे आप गेम प्ले को भी फिनिश करते हैं अपन। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ब्लॉक हो चुका, मैं रेड वाली क्वीन भी थोड़ी सी फंसी हुई, पर यहाँ पे देखो किस तरह से मैं रिलीज करूँगा ये शॉट देखना आप लोगों ने, ठीक है ना। तो टॉप फ्रेंड में जो ये वाली कॉइन है उसको थोड़ा सा लॉन्ग कट मारूंगा, थोड़ा सा हार्ड शॉट है गाइस, ठीक है ना। फिर भी तुम्हारा भाई इसको आसानी से खेल लेता है, जो कॉइन है मेरी रेड वाली क्वीन उसको भी श्योर कर लेता हूँ, और उसका जो कवर है भाई उसको भी श्योर कर लेता हूँ। फाइनली यहाँ पे गेम प्ले ये भी बहुत अच्छी तरह से फिनिश होता है अपना, तो टॉप फ्लेप में इसको पहले पोर्ट करता हूँ, और लास्ट वाली कॉइन को पोर्ट करके इस गेम प्ले को भी विन कर लेता हूँ। और उसके बाद का लास्ट गेम प्ले, और लास्ट गेम प्ले जरूर वॉच करके जरूर जाना, और आप लोगों के साथ तुम्हें भी बनाओ तो वॉच जरूर कर देना। तो चलो यहाँ पे एक और ब्रेक मिलता है अपने को, मतलब थोड़ा सा हार्ड ब्रेक है, तो आप लोगों ने किस तरह से हिट करना है वो तो आप लोग बताया था मैंने पिछले वीडियो में, तो फिर से एक बार बताऊंगा। वैसे 80% चांसेस है भी इस तरह का ब्रेक जाना, 20% मतलब 20% चांस नहीं
चाहिए इस तरह का ब्रेक लगाना, मतलब सब ब्रेक एक तरीके नहीं लगती इसमें, ठीक है ना। तो थोड़ा रिक्स है इस ब्रेक में, तो यहाँ पर मैं टॉप राइट में इसको मार लेता हूँ, कुछ और कॉइन निकाल लेता हूँ, और अच्छी तरह से मेरे जो दो कॉइन है वो निकल जाते हैं। और इसी का फायदा उठा के पहले तो मैं इसको टॉप लेवल पर मार लेता हूँ, क्योंकि मैं अगर जो थोड़ा सा क्रॉस खेलूँगा ऊपर की कॉइन को तो क्लैश होने का थोड़ा डर है, कोलैब होने का। तो चलो इसको मैं टॉप लेवल में इसको कट मारता हूँ, जो बीच में कॉइन भी उसको भी निकाल लेता हूँ। और रेड वाली कॉइन थोड़ी सी यार अच्छी तरह से निकल गई थी, पर यहाँ पर डबल से फंस चुकी है, तो मेरे पास ये वाली कॉइन थी, तो मैं इससे थोड़ा सा और कॉइन को रिलीज़ करने की ट्राई करता हूँ। और फिर रिलीज़ हो जाती है, रेड वाली कॉइन का कनेक्शन तो बन चुका है, पर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले इस वाले कनेक्शन को खेलता हूँ। और गाइस इसको मारे बाद यहाँ पे कनेक्शन भी जा रहा था, पर मैं कनेक्शन नहीं मारता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन था भाई टॉप फ्लिप में इसको मार के, क्योंकि भाई जो कनेक्शन का जब मारता था तो टॉप राइट में मेरी जो कॉइन है वो थोड़ी फंसने के चांसेस रहता था फ्रेम में। तो मैंने क्या करवाई, चलो टॉप फ्लिप में इसको कट ही मार लेता हूँ, रेड वाली कॉइन भी श्योर हो जाएंगी और अपनी जो कॉइन है वो फंसेंगी भी नहीं। और गेम प्ले अच्छा लगा तो गाइस यार वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। तो वीडियो यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है, और भी अच्छा सा एक कमेंट भी कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। चलो चलो एक और वीडियो के साथ मिलता हूँ कल, तो अभी के लिए बाय गाइस।